तो अभी मैं हाईवे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। एक माल का ऑर्डर था तो वो माल देने जा रहा हूँ। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग मेरा ड्रीम है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। दुकान के बाहर काफ़ी जोरों की बारिश हुई है और पानी पूरा जमा पड़ा है। सामान निकाल के बाहर रखने का भी जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अभी दुकान में आया हूँ, फिर पूजा वगैरह करेंगे, पहले साथ दुकान साफा करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। आज भी चूहों ने आतंक मचा कर रखा, ये देखिए पूरा काट दिया। ये तो इतना बाहर में है, इसका अंदर में और ज़्यादा काटा होगा। भैया चूहों का आतंक ख़त्म नहीं हो रहा, दो दिन हो गया आज, बहुत ज़्यादा नुकसान कर। अभी मैंने इसका हाल देखा ही नहीं। देखिए इसमें एक और कागज़ काट दिया, समझ में नहीं यार क्या करें पूरा। अरे तो भारी नुकसान हो जाएगी, देखिए पूरा सा कागज़ काट कर रखा है। ये देखिए दुकान के बाहर कितना सारा पानी लगा हुआ है, अभी देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा बाढ़ आया हुआ है दुकान के बाहर में। तो अभी क्लासेस ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये जो क्लासेस था कराटे का वो मैंने ख़त्म कर दिया। दो घंटे अलावा क्लास चला, अभी टाइम हो रहा है 12। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं घास हिल रहा है, ये अमरूद का घास है। तो मेरे सामने कुछ ऐसा सा नज़ारा है, वो हाईवे रहा, वहाँ पर गाड़ी वगैरह जा रही है और ये सब गाड़ी जो ये दलदल में फेंका हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है ना, चारों तरफ एकदम ग्रीन ग्रीन है, कितना अच्छा हवा चल रहा है और सामने कुछ ऐसा सा नज़ारा। चलिए चलते हैं दुकान की तरफ, दुकान में भाई है तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, दुकान चलेंगे। आकाश में बादल एकदम नहीं है, देख सकते हैं बादल का क्या सिचुएशन होकर रखा है। ये रास्ता से मैं जा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि ये क्लासेस लगभग 15 दिनों के बाद हो रही है। यहाँ एक गाड़ी ख़राब हो गया रखे रखे, पता नहीं किसका गाड़ी हो, क्यों रखा है यहाँ पे। और सामने कुछ इस तरीके से नज़ारा है, हम जा रहे हैं अपना दुकान। ये जो शिपिंग कंटेनर है ये चाइना में अधिकतर बनता है, ठीक है। इसका दाम लगभग 3.5 से 4 लाख रुपया होता है एक शिपिंग कंटेनर का, और यहाँ पे वो ऐसे पड़ा हुआ है, किसी का कुछ काम होगा वो रखा होगा यहाँ पे। आप सामने देख सकते हैं वो बड़ा सा बिलबोर्ड लगाने का जगह खाली हुआ पड़ा है, और वहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट मी, यानी कि नंबर दिया गया है और कॉन्टैक्ट मी लिखा हुआ है। जिसको वो स्पेस की ज़रूरत हो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, बड़ा सा बिलबोर्ड लगाने के लिए। वो लोग भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपया एक महीने के लिए, यानी कि आपका बिलबोर्ड यहाँ लग जाएगा, एक महीना लगा कर रखेंगे, 50 से 40 हज़ार रुपया कैश लेंगे। ये रहा वो बिलबोर्ड। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, कॉल कर सकते हैं। और सामने ये रहा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, यानी कि जब भी मेरे पास पैसा होगा मैं कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट लूँगा यहाँ पे। ये जो हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जब भी मेरे पास इन फ्यूचर में पैसा होगा मैं इस तरीके से घर लूँगा। ये रहा, ये मेन हाईवे है और ये एक छोटी हल्लेन निकला हुआ है यहाँ से। ये मेरा साइकिल का चक्कर, ये कैसे हिल रहा है ये देखिए। इसलिए क्या होता ना, ये सामने वाला जो हैंडल है वो ऐसे ऐसे करके कांपता है। चलिए चलते हैं दुकान की तरफ। यहाँ पर देखिए एक रस्सी बांधा हुआ है जो एकदम पूरा लंबा चल जा रहा है उतना दूर तक, पता है किस लिए बांधा है। जो मछली खाने वाले पक्षी होते हैं वो इसे डरते हैं और वो पानी में नहीं आ पाते हैं, इसलिए ऐसा
तार जो है सब जगह जगह पर लगाए थे, क्योंकि जब पक्षी ऊपर से आएंगे खाने के लिए तो वो फंस जाएंगे और डर के मारे भाग जाएंगे और मछलियाँ सुरक्षित बची जाएगी। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है सभी बिजनेस में। चलिए चलते हैं दुकान की तरफ। देखिए पानी में कैसे वेव हो रहा है, हवा काफ़ी ज़ोर से चल रही है जिसके कारण पानी में वेव होने लगा। काफ़ी अच्छा रास्ता है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर में 2, सारे दुकान बंद हो चुके हैं। मैं अपना दुकान को बढ़ाने वाला हूँ, बढ़ा कर चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बाज़ार काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बाहर में पानी लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं बाहर में कुछ इस तरीके से नज़ारा है, काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है, इसकी वजह से बाज़ार ख़राब है। दोस्तों अभी शाम के हो रहे हैं 6:30, ठीक है। दोपहर में आपने देखा जब मैं दुकान बंद करके घर गया था, उसके बाद मैं अभी दुकान में आ रहा हूँ, भाई आज दुकान खोल लिया था। बात करें आज के दिन की, तो दोपहर में जब यहाँ से घर गया तो बैंक में गया, बैंक के बाद मम्मी के साथ कहीं एक और गया, वहाँ से फिर कराटे क्लास गया, कराटे क्लास करा के फिर मैं अभी दुकान में आ रहा हूँ। और अभी शाम के हो रहे हैं लगभग 6:30, और भाई को भेजें एक ट्यूबलाइट लेने के लिए, लेने के दुकान का एक ट्यूबलाइट ख़राब हो गया तो लाने के लिए भाई को भेजें, दिखाता हूँ कहाँ का ट्यूबलाइट ख़राब हुआ है। तो यहाँ पर जो ट्यूबलाइट था वो अचानक से ख़राब हो गया, तो भाई को भेजा हम लाने के लिए, भाई लेकर आते हैं उसके बाद लगाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है, ये मैंने पानी का बोतल खरीदा आज, ये मिलिंटन का है। फिर मैं कपड़ा देने के लिए महाजन के यहाँ निकला और रास्ते में सिकंजी मिल रही थी, आपका भाई फ्री में खाने का बड़ा ही शौकीन है, तो मैंने सिकंजी झटा झट खाया। उसके बाद में जाने लगा हाईवे से होते हुए महाजन के घर। तो अभी मैं हाईवे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। एक माल का ऑर्डर था तो वो माल देने जा रहा हूँ। मेरे सामने वही बिल्डिंग है जो मुझको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं आपको अपना फेवरेट बिल्डिंग दिखाता हूँ, यानी कि इन फ्यूचर मेरे पास अगर पैसा हुआ तो मैं ऐसा ही बिल्डिंग या फिर ऐसा ही घर लेने का सोचूँगा। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग मेरा ड्रीम है, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं इस तरीके का ही घर लूँगा या फिर हाईवे के ऊपर मैं घर बनाऊँगा। चलिए चलते हैं, पहले जो काम करने आए हैं वो काम कर लेते हैं। ये हाईवे है, इसमें मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। ड्रीम होम, ड्रीम पूरा होते हैं, बस ड्रीम को देखने की चाहत रखना चाहिए। हम आ गए अभी हाईवे के ऊपर में, नो एंट्री छोड़ा है, तो सारे जितने भी ट्रक हैं सब जा रहे हैं अभी सिटी के अंदर इन हो रहे हैं। सामने जाकर उधर में टोल प्लाजा है, ये देखिए जितने भी ट्रक्स वगैरह हैं सब सिटी के अंदर जाने के लिए सब रेडी हो रहे हैं, और हम यहाँ साइड में खड़े हैं। हाईवे है, डर लगता है हाईवे, जितना जल्दी मैं छोड़ दूँ मुझे उतना ही शांति मिलता है। आप खड़े हो और कौन ट्रक आकर आपको मार देगा आपको पता नहीं चलेगा, आपका गलती नहीं है फिर भी आपका जान चली जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा काम के लिए रिस्क लेता हूँ, साइकिल से ही हाईवे पे चला आता हूँ, देखते हैं कब तक मैं साइकिल से ही ऐसे चलता हूँ।